अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कल PM ने अपने संबोधन के दौरान लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके बाद देश की जनता को इंतजार था लॉकडाउन पार्ट 2 के गाइडलाइंस जारी होने की, कि किस क्षेत्र में लोगों को छूट दी जाएगी। और गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइंस जारी कर दी गई। गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेटरी और प्रशासनिक अधिकारियों ने यह तो साफ कर दिया कि ना तो प्लेन चलेंगी ना ही मेट्रो या बस। और IRCTC की तरफ से कल यह ऐलान कर दिया गया था कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को 3 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए गृह मंत्रालय ने रियायत दी है। साथ ही यह भी कहा है कि कृषि से जुड़े काम मनरेगा के तहत होगा। इसके अलावा इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट मिली है। हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत ना हो। साथ ही हेल्थ सर्विसेज, मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां और ट्रांसपोर्ट, दवा, सड़क की मरम्मत और निर्माण के कार्य चालू रहेंगे। लेकिन सड़क की मरम्मत और निर्माण के कामों में भीड़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही इमरजेंसी के हालत में 4-व्हीलर में ड्राइवर्स के अलावा केवल एक ही रहेगा। दुपहिया वाहनों पर भी सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार होना चाहिए। और अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। दूध और दूध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई को भी चालू रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है और क्वारंटीन में रहकर वह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी छूट मिली है। DTH और केबल सर्विसेज भी चालू रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।